एक एप्लीकेशन जो है हमारा सीसी और डीसी को दिया था कि इन पे कार्रवाई हो, क्योंकि उस आईटीएफ फाइल में जो है हमारा पूरा कुछ बंदों का जो पार्टी के लेवल पे सीधा मतलब ये जो फंड्स खाए हुए थे, तो उन पे कार्रवाई करने के लिए हमने सीसी साहब और डीसी साहब के पास एप्लीकेशन छोड़ा था। तो हमारा डीसी साहब और सीसी साहब ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम यहाँ से आगे हमारा एलजी जो हॉनरेबल एलजी साहब, हमने वहाँ पे एक एप्लीकेशन छोड़ा, फिर वहाँ से तुरंत कार्रवाई हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले हुआ। हम ये चाहते हैं कि उस पे कार्रवाई जल्द से जल्द हो, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, खासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट कारगिल में इतना करप्शन चल रहा है। एक जो है हमारा यहाँ पे आईटीआई लगाने वाले को, मतलब यहाँ पे मुलजिम की नज़र से देखते हैं आईटीआई लगाने वाले को, ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये हर कोई लगा सकता है, ये हक है। तो इस तरह के मतलब करप्शन चल रहा है हमारे गांव में, आप देख सकते हैं हमारे गांव में ही, मतलब ऐसे कुछ हमारे जैसे सरपंच इतने फायदे लिए हैं सरपंच होने का, क्योंकि इसका बैक सपोर्ट जो है काउंसिलर रहा, एक ही पार्टी के होने की वजह से काउंसिलर का बैक सपोर्ट सीसी साहब रहा, तो एक ही पार्टी में होने का इतना फायदा इनको, ये लीगल कामनी है। जो भी हमारे पास अभी प्रूफ, ये जो हमारे पास प्रूफ है आईटीआई के तहत हमने ये प्रूफ जो लिया है, वो इलीगल वॉक, जो उनका लीगल काम जो है उन पे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एतराज नहीं है। जो इलीगल काम है उन पे एक ही घर में डबल पैक हाउस खाना, तीन तीन चार चार, और दूसरे गांव में अकाउंट खोलना, जैसे हमारा सरपंच का दूसरे अकाउंट, मतलब दूसरे गांव में अकाउंट खोलना, ये कौन सा लीगल काम है? ये तो इलीगल है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि मेहरबानी इस पे भरपूर कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह के केसेस जो है बहुत पहले आए थे, लेकिन इतना कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि आईटीआई पहले लगाने के बाद कुछ बंदे वापस लेते हैं। तो हम आगे तक इसको, हमने एलजी साहब के पास भी पहुंचाया है, हमने पीएम पोर्टल तक इसको चढ़ाया है, लेकिन कार्रवाई इंशाल्लाह होगा, भरपूर होगा इसका। लेकिन हम चाहते हैं फिर से हमारा एलजी साहब इस पर भरपूर कार्रवाई करें। और हमारा सॉइल कंजर्वेशन, आप यहाँ पे मेरे पास एक प्रूफ है, एक ही घर में सॉइल वाटर कंजर्वेशन में एक ही बंदे के नाम पे दो दो जो फंड्स होते हैं, एक ही बंदे के नाम पे डबल फंड्स देना। और एक बड़ी बात जो है मैं आप से कहना चाहता हूँ, 1968 में जो हमारा एक बुजुर्ग गुजरा है, 1968 में उसके नाम पे 4.5 क्विंटल फीड्स जो है खाए है, उसके नाम पे है। और हमारा एक स्टूडेंट जो जम्मू में बैठता है नाबालिग, उसके नाम पे 4 क्विंटल फीड्स, 192 क्विंटल फीड्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी को पता नहीं है ये फीड्स कहाँ गया है। ये एनिमल हस्बेंड्री से आता है, वो हमारा काउंसलर ने ही ये जो है मिसयूज किया है। तो इन चीजों पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद हमारा भी यही है कि हम चाहते हैं कि जो इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो। ये खाली सिर्फ चुलिसकम्बू कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, पूरे खित्ते लद्दाख में या कहीं पे भी किसी के साथ इनजस्टिस होता है उसके खिलाफ आवाज़ है। तो हम, जैसे हमारे भाई ने आपको बताया कि ये इनजस्टिस हो रहा है, तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्कीम्स हमारे गांव में ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ऑन पेपर दिखाया है, पेपर खाए और पैसे भी खाए हैं, बट कोई काम नहीं हो रहा था। तो जैसे हमने आरटीआई फाइल करी उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि अगर जितना जस्टिस डिले होगा तो इनको और ये काम दिखाने का मौका मिल जाएगा। तो हम यही गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है, तो इस पे अच्छे से कार्रवाई हो और जो कल्प्रिट्स है जिन्होंने खाया है उन पे
जो है कार्रवाई हो, अदरवाइज ये बैक डोर से ही अपना काम करते हैं और फिर आरटीआई का कोई मकसद भी नहीं रहेगा अगर आपने डिले किया तो. कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड. तो हम यही चाहते हैं हुकूमत से कि जितना हो सके जल्दी इस पे कार्रवाई हो, और हम कंसर्न अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी जिन्होंने भी इसमें गोलमोल किया है उनको उनका पर्दाफाश हो और आवाम के सामने आए. तो इसमें हमारा सवाल ये बनता है सर कि जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव हो जिन्होंने CDF मिसयूज किया है आपके मुताबिक, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले उनसे कंसर्न से मिल के आप लोगों ने डिस्कस बहस मुबाहिसा करके आप लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, क्या कहना है आपके रिप्रेजेंटेटिव का? मतलब जिसने भी आपका कहने के मुताबिक है CDF को मिसयूज हुआ है, okay. यही है ना, तो जिसने भी किया हो आप लोगों को तो पता होगा जी. तो उनसे जाके बिफोर एड्रेसिंग मीडिया उनसे डिस्कस आप लोगों ने की कि नहीं, मेरा सवाल ये होगा जी. देखिए जैसे अगर कोई बंदा अगर CDF का मिसयूज करता है वो हमारे सामने ऑन टेप या ऑफ टेप कभी कोई ये कबूल नहीं करेगा कि मैंने CDF का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए किया या अपने मफाद के लिए किया, राइट. ये हमें पता चल रहा है विद RTI, अदरवाइज तो हमें किसी को भी नहीं पता चलता. हम यहाँ पे एक ग्रुप है जैसे हमारे लड़के हैं 8-10 लड़के, इनके अलावा हमारे गांव के लड़कों को भी नहीं पता था या गांव के बाकी आवाम को भी नहीं पता था कि भाई ये मिस यूज हो रहा है आज तक. एंड ये जो है अभी एक साल की बात नहीं है, ये पिछले जो सेकंड, ये हमारे काउंसिलर का सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में ऐसा हुआ है. तो जब तक हम ये RTI फाइल नहीं करेंगे तो किसी को नहीं पता लगेगा कि ये जो है ये ऐसा घोटाला हुआ है. तो अगर हम पूछें भी तो किससे पूछें? सपोज किसी ए पर्सन ने खाया होगा तो वो ये थोड़ी ना कबूल करेगा कि मैंने, हाँ मैंने मिस यूज किया है, राइट. ये तो हमें RTI के थ्रू ही पता लगेगा. उसके बाद हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचे हैं कि इन्होंने खाया है और कबूल नहीं कर रहे, अदरवाइज तो फिर इसका मुद्दा ही नहीं बनता. सर अभी आपने बताया कि काउंसलर साहब का सेकंड टर्म है और ऐसे इश्यूज पहले भी देखने को मिला है, तो उस वक्त कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या उस तरह की बातें नहीं हुई? और पहले जो है RTI काफ़ी एलिगेशंस बहुत सारे लगते थे, इसके बावजूद भी काउंसलर पे कोई चार्ज या कोई इंक्वायरी नहीं देखने को नहीं मिला, तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपकी कि क्या होना चाहिए? इस पे तो कार्रवाई होना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि कार्रवाई बहुत जरूरी है. अगर इसको छोड़ देंगे तो आने वाले, अभी तो 5 साल चलानी है क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी 4-5 साल बाकी है. अगर इसमें अगर छोड़ देगा तो आगे 5 साल में पता नहीं, इससे आगे वो इससे भी आगे बहुत ज्यादा घोटाला करेंगे. और अगर पुराने अगर नहीं किए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उस पे नए भी नहीं हो, राइट. अगर इन्होंने पुराने अगर किए हैं उस टाइम के किसी बंदे ने या सपोज किसी किसी ने भी आवाज नहीं उठाई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आज भी ना हो. गुज़श्ता रहा सलवात, आइंदा रहा एहतियात. कहते हैं काउंसलर साहब पे एलिगेशन भी लगा, फिर इसके बाद कोर्ट में भी पहुंचा ये केस, बाद में काउंसलर के फेवर में भी आते हैं एट लास्ट. तो आप अभी एलिगेशन लगा रहे, इस बार भी इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज देखने को मिला है, बट काउंसलर फंसते नहीं है, इट मीन्स क्या कुछ कोई प्रोपेगेंडा तो यहाँ पे नहीं हो रहा है? देखिए जनाब, ये तो हमें वाजह तौर पर ये समझना चाहिए कि जो सिस्टम में रहता है उनकी ज्यादा चलती है, राइट. हमारे पास सिर्फ एक ही वेपन होता है, मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, जिस पे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, अदरवाइज हमारी कोई सुनेगा नहीं. एक कॉमन मैन की आवाज, आप बखूबी जानते हो कि ऑफिस में आपको 4 घंटे खड़ा रखोगे तो वापस आपको घर ही जाना है, आपकी आवाज कहीं तक नहीं पहुंचेगी. तो ये तो आपकी बात सही है कि अगर कोई सपोज किसी काउंसिलर पे या XYZ पे हम कोई एलिगेशन लगाते हैं, उन पे एक्शन ना हो तो वो उनका अपना मफाद के हिसाब से होता है. बट हमारा ये काम है कि हम जो सच है, जो हक है, वो बताएं. देर सवेर इलेक्शन, कोई ऐसा बंदा सिस्टम में होगा जो उनको भी पकड़ेगा, ये हमारा मानना है. कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आप मेंशन कर रहे हो इसमें जहां CDF जो है मिसयूज हुआ है? सॉइल वाटर कंजर्वेशन और कमांड एरिया और हॉर्टिकल्चर में, जो है हमारा हॉर्टिकल्चर और सॉइल वाटर कंजर्वेशन में ज्यादातर जो इलीगल काम हुआ है सॉइल में, और ब्लॉक में भी हुआ है. सॉइल डिपार्टमेंट हाँ, और ब्लॉक में भी हुआ है, और एनिमल हस्बेंड्री उसमें भी हुआ है. अप्रोक्सीमेट कितना अमाउंट हुआ होगा? लगभग एक ही बंदे का मान लो 10.5 लाख से ऊपर ही है एक ही बंदे का. तो इसमें कम से कम हमारे, मैं अपने ही गाँव का बात कर रहा हूँ, कम से कम 6-7 बंदे है
लगभग मान लो 25 से 30 लाख होगा। तो क्या फर्दर रायमल रहेगा आप लोगों का इस इशू को लेके? हम यही चाहते हैं कि फिलहाल जब तक इस पे सही कार्रवाई ना हो तब तक पूरा CDF बंद रहे। CDF जो है इसके बाद भी आगे 5 साल जो है CDF टोटली बंद रहे। आपके कहने का मुताबिक फिलहाल पहले ये सॉल्व हो ये केस? हाँ, पहले ये इस पे, अगर इस पे सॉल्व नहीं करेगा तो आगे तो ये लोग इससे भी ज्यादा खाएंगे। तो फिर हम चाहते हैं कि फिलहाल के लिए 5 साल या जब तक ये सॉल्व नहीं होता है, ये केस सॉल्व नहीं होता है, तब तक बंद रखा जाए CDF पे। हमारा LG साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये CDF बंद रहे हमारा 40 खंभों का। थैंक यू।